पिछले साल हमारी क्लिनिक में कशिश जी चरणदास को लेके आए, जो उन्हें रास्ते पे जख्मी हालत में मिला था। चरणदास को पीछे वाले पैर पे चोट लगी थी और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। चाचू को जब कुछ लोग हमारी क्लिनिक लेके आए तो वो बहुत कमजोर था और कई दिन का भूखा था और उसको प्रोलैप्स भी हुआ था। कुछ दिन की ट्रीटमेंट और देखभाल के बाद उसका प्रोलैप्स ठीक हो गया और चाचू की हालत में भी सुधार आने लगा। लेकिन उसके पीछे वाले पैर में हील फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से वो भी ठीक से नहीं चल पाता था। चाचू की तरह चिंगारी को भी पैर में चोट आई थी, जिसकी वजह से उसको भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी। इन तीनों को पहले किसी ने इस्तेमाल किया था और चोट लगने के बाद वैसी ही हालत में रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया। अब रास्ते पे आने के बाद इनका जीवन आसान नहीं होता। बहुत दिन तक भूखे रहना, गाड़ियों से टक्कर खाना, इसी में इनका जीवन खत्म हो जाता है। फिर भी अगर इन पे किसी की नज़र पड़ती है तो वो अपने फ़ायदे के लिए। भारत में कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ऐसे ही गधों, घोड़ों और खच्चरों के खून का इस्तेमाल करती हैं। और जाहिर है कि कोई भी कंपनी जो इन्हें बस इनका खून चूसने के लिए लाए हों, ना वो इन्हें ठीक से खाना देते हैं, ख्याल रखते हैं या इनका दर्द समझ सकते हैं। खैर, ज़्यादातर घोड़े, गधे या खच्चर रस्तों पर तभी आते हैं जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये अनुपयोगी हो जाते हैं। अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इनका इस्तेमाल भारी सामान ढोने के लिए किया जाता है। कई बार सामान इतनी भारी मात्रा में डाला जाता है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, और अक्सर इन्हें पीठ से जुड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। अभी इस काम का विरोध ना कर पाएं, इससे छूट ना पाएं, इसलिए इनके पैर भी एक छोटी सी रस्सी से एक दूसरे से बांध दिए जाते हैं। अब एक खुले मैदान में दौड़ने वाले जानवर की आज़ादी कुछ इस तरह छीनी जाती है कि वो अपने प्राकृतिक तरीके से चल भी ना पाए, और इसी वजह से इन्हें रीढ़ से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ये रस्सी इतनी कस के बंधी होती है कि इनके मांस के अंदर तक घुस जाती है और उसमें बाद में कीड़े भी पड़ जाते हैं। अब जानवर भी एक जीव है, इन्हें भी दर्द होता है, ये बात समझना तो दूर। इनके पीठ पे ईंट पत्थर जैसा सामान डालते डालते इन्हें भी सामान बना दिया गया है, और शायद इसीलिए इन्हें भी बेकार होने के बाद सामान की ही तरह फेंक भी दिया जाता है। अब हमें खच्चरों का, घोड़ों का दर्द है भी, तब भी हम घर बनाना तो नहीं छोड़ सकते। और पक्का मकान बनाना है तो उसमें लाल ईंट तो लगेगी ही, पर घर में जब किसी को शादी करके लाना है तब भी गाड़ी होते हुए घोड़ी पे ही चढ़ के जाना है, और जब शादी के बाद घूमने के लिए हिल स्टेशन का रुख करना है तो वहां पे भी फिर खच्चर घोड़े पे ही चढ़ना है। अब इनका इस्तेमाल चाहे कंस्ट्रक्शन वाले करें, वेडिंग वाले या टूरिज्म वाले, इन्हें रखा तो उतने ही खराब हालत में जाता है और इस्तेमाल के बाद फिर सड़क पे छोड़ भी दिया जाता है। अब इन्हें सड़क किनारे देख के हम कह तो देते हैं कि देखो घोड़ा कितना दुख पा रहा है, खच्चर कितना बेचारा है, पर कहीं पे इनकी बेचारगी का कारण थोड़ा तो किया धरा हमारा है।